गुड मॉर्निंग, मैं इंतजार क्यों अपन परमाणु की संरचना को समझाने के लिए दिए गए सिद्धांत वह मॉडल की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहला मॉडल अपने पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दूसरा पढ़ा था अपन ने थॉमसन का परमाणु मॉडल। आज अपन वापिस थॉमसन के परमाणु मॉडल को वापिस थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो परमाणु की आंतरिक संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले 1898 में जे.जे. थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब थॉमसन ने जब परमाणु की संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल प्रस्तुत किया था, उस समय परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन वे प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी। तो थॉमसन ने परमाणु के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संरचना को समझाने के लिए मॉडल प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार परमाणु की क्या विशेषता है? तो ये मॉडल कहता है कि परमाणु एक -10 मीटर व्यास का एक कैसाटा धनावेश गोला है। इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण भाग किसका बना है? धनावेशित होता है। इसका मतलब संपूर्ण भाग में क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं, जिसमें समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन विद्युत कहते हैं। अब ये हो गया इसका धनावेशित भाग इसका मतलब इसमें प्रोटॉन पाते हैं और उसमें समान मात्रा में क्या है, ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉन। कई बार बोर्ड में केवल ये चित्र आ जाता है और इस चित्र में नाम कहता है कि इन भागों के क्या नाम है। तो संपूर्ण भाग इसका बना है, धनावेशित है, इसका मतलब प्रोटॉन का बना है और उसमें समान मात्रा में ये क्या विद्युत है बड़ा इलेक्ट्रॉन विद्युत। अब इस परमाणु थॉमसन के परमाणु प्रतिरूप या मॉडल का स्वरूप किसके समान है बड़ा? तो एक एक प्लम पुडिंग केक के समान होता है, इसलिए इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जिसमें पुडिंग धनावेशी भाग को दर्शाता है जबकि उसमें दसे हुए प्लम किसको दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। भारतीय संदर्भ में इसे बूंदी के लड्डू मॉडल द्वारा भी जाना जाता है,
या तरबूज मॉडल के द्वारा भी जाना जाता है। अब ये मॉडल कहता है कि परमाणु की संख्या है वो तरबूज के समान होती है। तरबूज में जो लाल रंग की गिरी है वो गिरी इसके धनावेशित भाग प्रोटोन को दर्शाती है, और गिरी में जो दशे में बीज है, बीज इसमें दशे में जो बीज है वो बीज किसको शो करते हैं? इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। अब इस मॉडल से मूल बात क्या करता है? ये मॉडल कहता है कि प्रोटोन परमाणु में प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ बराबर होती है। प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होने के कारण परमाणु विद्युत का उदासीनता है, जो बात बिल्कुल क्या गया सत्य की है। अपन बार बार कहते हैं जब भी आपके पास परमाणु शब्द आता है, परमाणु शब्द आने का मतलब ही क्या है? वो विद्युत का क्या है? उदासीन होता है। और उदासीन कब होगा बेटा? जब आवेश बराबर हो। और आवेश बराबर कब होंगे? जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या हो? बराबर हो। अब इस सिद्धांत की क्या है कमी? वैसे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक ही कमी याद रखनी है। यह सिद्धांत रदरफोर्ड के सौरण पत्र प्रयोग की व्याख्या नहीं करता है। और वैसे कम कमी निकाले तो आप सबको पता है कि परमाणु में पाए जाने वाला संपूर्ण धनावेशित भाग संपूर्ण परमाणु में वितरित न होकर उसके केंद्रीय भाग में उपस्थित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं कि इस मॉडल में क्या कमी रह गई? ये मॉडल परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक की व्याख्या नहीं करता है, परमाणु में पाए जाने वाले ऊर्जा कोष की व्याख्या नहीं करता है, परमाणु में पाए जाने वाले उपकोष की व्याख्या नहीं करता है, परमाणु के उपकोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्या कर लिया रखते हो बेटा? थॉमसन का ये मॉडल रदरफोर्ड के सर्वपत्र प्रयोग की व्याख्या नहीं करता है। अब तीसरा मॉडल का सिद्धांत आता है रदरफोर्ड का सरल पत्र प्रयोग। अब परमाणु की संरचना की व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने सन 1911 में एक प्रयोग के द्वारा परमाणु की संरचना को समझाने का प्रयास किया। चाटावड़ा ने तीसरा स्वरूप अपने पास आ रहा है रदरफोर्ड का सरल पत्र प्रयोग। रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने 1911 के अंदर परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक प्रयोग प्रस्तुत किया था। उस प्रयोग का विवरण निम्न प्रकार है। रदरफोर्ड और उसके शिष्यों ने सोने की पतली झिल्ली जिसका व्यास 10 की घात माइनस
पुत्र था उस सोने की पतली पट्टी पर अल्फा कोड बमबारी की। चाकरों ने रजत होकर उसके शिष्यों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सन 1911 में एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में उन्होंने सोने की पत्ती ली जिसका व्यास 10^-7 मीटर, जिस पर कौन से कणों की बेटा अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण हीलियम का जो प्रतीक है, हीलियम एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना बेटा 2, तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन पाए गए हैं 2 प्रोटॉन पाए गए हैं। उस हीलियम के नाभिक को क्या कहते हैं अल्फा। अब रदरफोर्ड में उसके शिष्यों ने सोने की पत्ती दी जिसका व्यास 10^7 मीटर है, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की। इन अल्फा कणों की दिशा ज्ञात करने के लिए सोने की पत्ती के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लोपित पर्दा लगाया, जिंक सल्फाइड के पर्दे पर जब ये अल्फा कण टकराते हैं तो ये प्रदीप्त हो जाते हैं अर्थात प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिससे अल्फा कणों की दिशा ज्ञात की जाती है। थोड़ा सा प्रयोग को अपन चित्र के ऊपर प्रस्तुत करते हैं। अब ये हो गया क्या वो पर्दा, ये हो गया वो सोने की पतली कनी, और इस सोने की पनी पर उन्होंने कौन से कणों की अल्फा कणों की बमबारी की। बमबारी करने के पश्चात क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए, प्रेक्षण का मतलब बेटा जो प्रयोग करते हैं उसमें अपन को क्या दिखाई देता है, तो क्या प्रेक्षण प्राप्त हुए नंबर 5 अधिकांश कण बिना विस्तृत
इसमें क्या पाया, कुछ कण अपने पथ या मार्ग से विचलित हो गए, तीसरा 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर घूम गया। ये क्या प्राप्त हो गया निष्कर्ष, क्या कह रहे हैं अपन? रदरफोर्ड व उसके शिष्यों ने 1911 में परमाणु की संरचना को समझाने के लिए एक प्रयोग प्रस्तुत किया। उसके लिए उन्होंने सोने की पतली पन्नी जिसका व्यास 10^-7 मीटर था, उस पर अल्फा कण तभी के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं, अल्फा कणों की बमबारी की तथा इन अल्फा कणों की दिशा याद करने के लिए सोने की पन्नी के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की पर्दे को लगा दिया। जिंक सल्फाइड से एक टकराने पर पर्दित या प्रकाश उत्पन्न करते हैं जिसके कारण चमक उत्पन्न होती है। अब इस प्रयोग की प्रेक्षण क्या थे, अधिकांश कण, अब ये बड़ा अल्फा कण है, अधिकांश कण बिना विचलित यानी कि जिस दिशा में जा रहे थे सोने की पन्नी से उसी दिशा में निकल गए, बिना पत्ता मतलब बारे विचलित में सीधे निकल गए। इसका मतलब उसके किसी भी प्रकार के रास्ते में बाधा नहीं आई जिसके कारण वो अपने उसी मार्ग से आगे निकल गए। कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए। अब ये जो कण अपन दर्शा रहे हैं ये लाइन शो कर रही है, ये कण है जो पथ से विचलित नहीं हुए, जबकि ये दो कण अपन दर्शा रहे हैं कि कुछ कण अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हो गए। और कितने कणों से, 20,000 अल्फा कणों में से एक कण जिस मार्ग से गया था और टकरा कर में उसी मार्ग में आ गया, अर्थात कितने डिग्री कोण पे घूम गया, 180 डिग्री के कोण पे घूम गया। ये इस प्रयोग के क्या प्राप्त हुए उनको, प्रेक्षण। इन प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के संदर्भ में क्या निकाले थे, निष्कर्ष निकाले थे। वो निष्कर्ष क्या थे, तो फर्स्ट बात क्या करेंगे, अधिकांश कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। इससे निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु का अधिकांश कण परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है जिसके कारण अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे निकल। दूसरी विशेषता, कुछ कण अपने पथ से विचलित हो गए, इसका मतलब परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। दूसरा प्रेक्षण से क्या निष्कर्ष निकला कि कुछ कण अपने पद से विचलित हो गए, और पद से विचलित होने का कारण क्या बताया रदरफोर्ड ने, कि परमाणु का संपूर्ण धनावेशित भाग परमाणु के केंद्रीय भाग में होता है। अब अल्फा कण किसे कहा अपने, हीलियम का नाभिक है, इसका मतलब अल्फा कण भी क्या है, धनावेशित, और परमाणु का केंद्रीय धनावेशित भाग कहां पाता है,
केंद्र में बहता है। अब केंद्र में धनावेशित भाग है और अल्फा कण भी धनावेशित है, तो सामान कण एक दूसरे को या सामान आवेश सदैव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्षित करने के कारण ये अल्फा कण अपने पद से क्या हो गए, विचलित। तीसरी विशेषता है, तो सामान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित
करते हैं और प्रतिकर्षित करने के कारण कुछ अल्फा कण अपने पद से विकृत हो गए, अर्थात जो कण किसके पास से गुजरते हैं, नाभिक के पास से गुजरे वो अपने पद से विकृत हो गए। तीसरा, परमाणु का संपूर्ण धनावेश भाग परमाणु के कुल व्यास का बहुत छोटा भाग होता है, अर्थात परमाणु का व्यास 10 की घात -10 मीटर होता है, जबकि उसके धनावेश भाग नाभिक का व्यास 10 की पावर -15 मीटर होता है, जिसके कारण कुछ ही अल्फा कण परमाणु के नाभिक से टकराते हैं और टकराने के कारण वो 180 डिग्री के कोण पर घूम जाते हैं। ये इस प्रयोग के क्या होंगे नाम निष्कर्ष। इन प्रेक्षण व इन निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने कई बार इस प्रकार का ये चित्र दिशा में जाता है इस लेसन में और सिर्फ नाम चाहता है कि ये क्या है। अब आपको ये डायग्राम कहता है आपको नाम बताना है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि कौन से मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन के मॉडल को प्रस्तुत कर रहा है जिसमें समान मात्रा में ये इसके नाम परमाणु का धनावेश भाग और ये इसमें विकृत हो गए इलेक्ट्रॉन। और दूसरा आपको अगर ये कहता है चित्र परीक्षा में इधर और यहां प्लस और यहां ये कहता है, इसका मतलब ये कौन से प्रयोग के डायग्राम है, रदरफोर्ड मॉडल का, ये नाभिक और ये। अब इन प्रेक्षण व निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड या उसके शिष्यों ने परमाणु की मूल विशेषता बताई थी, रदरफोर्ड प्रयोग के आधार पर परमाणु की विशेषता। तो नंबर फर्स्ट विशेषता है परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में पाया जाता है। परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के केंद्र में पाया जाता है जिसे नाभिक कहते हैं। ये बात हम पहले भी बता चुके। नंबर टू, दूसरी विशेषता, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसका मतलब ये नाभिक और ये पूरा भाग क्या होगा, खोखला होता है। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार खोखला होता है। इस खोखले भाग में वटाकार पथ में इलेक्ट्रॉन संचरण करते हैं। इन वर्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं।
नंबर तीसरी विशेषता, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। चौथी विशेषता, परमाणु का धनावेशित भाग का व्यास परमाणु के कुल व्यास का बहुत छोटा भाग होता है। ये इस मॉडल की विशेषता है। इजी वे में याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन शानदार उत्तर कहते हैं। परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत आपके पास है डाल्टन। डाल्टन क्या कहता है? प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। दूसरा विशेषता क्या बताता है? परमाणु अविभाज्य कण है। तीसरी विशेषता क्या बता रहा है? समान एक तत्व के सभी परमाणु गुणधर्मों में या रासायनिक गुणधर्मों में समान होते। चौथी विशेषता, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणधर्मों में भिन्न भिन्न होते। ये तत्वों के परमाणु सरल अनुपात में जुड़कर अणु या यौगिक का निर्माण करते हैं, और यौगिक या अणु का निर्माण करते समय तत्व के परमाणु सरल अनुपात पूर्ण संख्या में भाग लेते हैं। ये विशेषता हुई। फिर इसके पश्चात थॉमसन क्या कहता है? थॉमसन कहता है कि परमाणु एक 10^-10 मीटर व्यास का धनावेशित गोला है, इतने शब्द में ही पकड़ना है। इसका मतलब धनावेशित भाग थॉमसन के अनुसार संपूर्ण परमाणु में वितरित होता है, जबकि वास्तविकता आप सबको पता है कि उसके नाभिक में स्थित होता है। फिर तीसरा लेखक कह रहा है कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड क्या निष्कर्ष निकाल रहा है? कि परमाणु का अधिकांश भाग, सॉरी, परमाणु का संपूर्ण धनावेशित परमाणु के केंद्र में पाया जाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। दूसरी विशेषता, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। इस खोखले भाग में वर्ताकार पथों में इलेक्ट्रॉन चक्कर करते हैं, इन वर्ताकार पथ को कक्षा या कोष कहते हैं। तीसरा, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। चौथा, परमाणु का धनावेशित भाग परमाणु के कुल व्यास का बहुत छोटा भाग होता है। अब इस मॉडल की चालकता क्या खूबियां रहेगी? तो नंबर फर्स्ट, ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व से संबंधित व्याख्या नहीं करता। ये सिद्धांत परमाणु के स्थायित्व से संबंधित व्याख्या नहीं करता। नंबर टू, ये सिद्धांत का मॉडल परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं समझा पाए, अर्थात इलेक्ट्रॉन कौन से कोष में पाए जाते हैं, कोष कितने होते हैं, उनकी ये व्याख्या नहीं करता। तीसरी, मैक्सवेल के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में भ्रमण करता है तो वो विकिरण या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। विकिरण उत्सर्जित करने के कारण इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होने के कारण वर्ताकार पथ में भ्रमण करता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप से ऐसा नहीं होता है, उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। चौथी, मूल कमी साथ में परमाणु में बनने वाले स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी
ये सीधा नहीं कर रहा। अब स्पेक्ट्रम क्या है ये जस्ट आगे वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। थैंक्स मैडम।